वेलकम टू ब्लूमिंग रोज एकेडमी। हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास सिक्स का हिंदी व्याकरण। डेट है 22/7/2020, लेक्चर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर नेम है भाषा, व्याकरण और साहित्य। भाषा, व्याकरण और साहित्य के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। पहले हम जानते हैं भाषा। ये भाषा क्या होता है? जब भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं, समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। हमें भाषा का यूज प्रयोग करना होता है, तभी हम एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं और अपनी बात बता सकते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्र दिया गया है। ये चिड़िया ची ची, गाड़ी पौ पौ, घोड़ा हिन हिन, कुत्ता भौ भौ। ये क्या है? इसका कोई अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसे हम भाषा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका अर्थ हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए हमको इस शब्द को हम भाषा नहीं कह सकते। कभी भी जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बात को रखते हैं या किसी की बात सुनते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र दिया गया है, सुप्रभात माँ, धन्यवाद माँ, सुप्रभात बेटा, जन्मदिन मुबारक हो, धन्यवाद पापा। यहाँ पे देखिए, ये एक दूसरे से लोग बात करके अपनी बात बताए हैं और कहे हैं, तो इसी को हम भाषा कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, भाषा के रूप। यहाँ पे हेडिंग है भाषा के रूप। भाषा कितने रूप के होते हैं? तो भाषा दो होते हैं, कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है कि जब भी हम कोई भी कुछ भी बात करते हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं या कोई प्रवचन दे रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, कविता कर रहे हैं या अपनी बात वैसे भी बात कर रहे हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। यहाँ पे चित्र दिया गया है, देखिए, बेटा जल्दी चलो यहाँ से, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। गुरुदेव, यह नगरी कौन सी नगरी है? भैया, इस नगरी का क्या नाम है? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं लोग, चलो किसी से पूछते हैं। यहाँ के राजा कौन है? चौपट राजा, अंधेर नगरी। यहाँ एक दूसरे से लोग बात की हैं, अपनी बात बताए हैं, अपना विचारों का आदान प्रदान किए हैं, इसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। यहाँ पे मौखिक भाषा का एग्जाम्पल दिया गया है। अब हम आते हैं लिखित भाषा को। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब भी हम कोई भी अपनी बात लिख कर प्रकट करते हैं, अपनी बात लिख के किसी को बताते हैं और वो पढ़ के समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पत्र लिख रहा है अपने माताजी को, तो ये अपने जो भी इनके अपने मन में बात है वो अपने लिख के यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं और वो पढ़ के समझेंगे, इसी को हम लिखित भाषा कहते हैं। अब हम आते हैं इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे सांकेतिक भाषा का यूज हुआ है। सांकेतिक भाषा में यहाँ पे जो बच्चा है, ये अपनी माँ से टेडी बियर मांग रहा है इशारों के द्वारा। वो बात बोल के नहीं मांग रहा है, वो इशारों से माँ से इशारा कर रहा है कि हमें वो टेडी बियर चाहिए, और वो समझ रही हैं, तो यहाँ पे इनका सांकेतिक भाषा हो जाता है। जब भी हम कोई भी बात इशारों से किसी को समझाने का प्रयत्न करते हैं तो वो हमारा सांकेतिक भाषा हो जाता है। सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सांकेतिक भाषा किसी के समझ में आती है, किसी के नहीं आती है, इसलिए भाषाविद इसे भाषा का रूप नहीं दिए हैं। अब हम आते हैं भाषा के बारे में जानते हैं। राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, ये क्या होती है? राष्ट्रभाषा राष्ट्र की पहचान कराती हैं। ऐसी भाषा जो देश के अधिकांश लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती हैं तथा जिसमें संपूर्ण राष्ट्र की संस्कृति और जनजीवन अभिव्यक्ति पाता है, वह हमारी राष्ट्रभाषा होती है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी भारतवर्ष के अधिकांश क्षेत्रों में बोली, समझी एवं लिखी पढ़ी जाती है, तो हमारी क्या हो गई? राष्ट्रभाषा हो गई। अब हम आते हैं मातृभाषा पे। बच्चा अपने माता पिता से, जो भी हम पहले सबसे पहले घर में अपने मम्मी पापा से जो भी भाषा सीखते हैं, वही हमारी मातृभाषा होती है। ये हमारी मातृभाषा हो गई। अब हम आते हैं भारतीय भाषाएं पे कि भारत में हमारे कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है। तो भारत में हमारे 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए, ये 22 भाषाएं हैं जिसको भारत में बोलने का मान्यता दिया गया है। अब विश्व की प्रमुख भाषाएं, प्रत्येक देश की अपनी अपनी एक भाषा होती है जिसे उस देश के निवासी बोलते हैं। यहाँ पे देश का नाम और भाषा का नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पे फ्रांस है तो फ्रेंच बोलते हैं, भाषा का नाम फ्रेंच है। जर्मनी है तो जर्मन।
इंग्लैंड अंग्रेजी, जापान जापानी, रूस रूसी, ऐसे भारत में हिंदी ऐसे ही बोला जाता है। यहाँ पे दिया गया है लिपि। अब लिपि में क्या होता है, जैसे भाषा की लिपि होती है, ध्वनियों को लिख कर प्रकट करने के लिए ध्वनि चिन्हों का जो प्रयोग करते हैं उसी विधि को हम लिपि कहते हैं। हम इस वाक्य को लिपि की सहायता से विभिन्न भाषाओं में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ भाषा दिया गया और उसकी लिपि दी गई। जैसे हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी में। संस्कृत को भी देवनागरी में लिखा जाता है। अंग्रेजी को रोमन में लिखा जाता है। उर्दू फारसी में लिखा जाता है। और पंजाबी गुरुमुखी में लिखा जाता है। अब यहाँ पे भी दिया गया है, ये देख लीजिए, यही हमारी लिपि होती है। इसको लिख के जो भी हम व्यक्त करते हैं अच्छे से उसको हम लिपि कहते हैं। अब साहित्य पे आते हैं। प्रत्येक भाषा में निहित ज्ञान की बातों को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए संचित किया जाता है। उस संचित कोष को उस भाषा का साहित्य कहा जाता है। साहित्य ही किसी समुदाय जाति या वर्ग के वर्तमान और अतीत की झांकी प्रस्तुत करता है। यह मानवीय अनुभूति के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करता है। साहित्य की विधाओं में विभिन्न कविता कहानी नाटक निबंध आलोचना उपन्यास आदि आते हैं। ये हमारे साहित्यिक भाषा होते हैं। अब आपकी क्लास यहीं ओवर होती है। व्याकरण हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और आप इसको अच्छे से इस पाठ को पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक यू।